नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। एमबी न्यूज 27 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज रविवार का दिन है। मैं अब आने वाला हर रविवार को एक खास कार्यक्रम मेडिकल एपिसोड डॉक्टर आपके घर तक कार्यक्रम लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि घर बैठे आपको नए नए बीमारियां एवं उससे बचाव संबंधित तमाम जानकारी हमारे बीच मेडिकल एपिसोड में मिलता रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा एवं मेडिकल जगत के तमाम जानकारी आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। अगर आप मेरा कार्यक्रम डॉक्टर आपके घर तक पसंद आए तो आप मेरे न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ 27। देश इस वक्त कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। एक तरफ देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, लोगों का कोरोना महामारी के कारण नौकरियां जा रही है, गरीब जनताओं के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। सरकार 23 मार्च से कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन लागू की। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो, अनलॉकडाउन 1 और 2 की शुरुआत हुई। लोग घरों से बाहर आने लगे, जिससे देश में तमाम जगहों पर कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ, जिसके कारण लोगों को कोरोना का भय सताने लगा है। लोग काफ़ी खौफ में हैं। देश के तमाम राजनीतिक दल पुनः लॉकडाउन की मांग करने लगे हैं, ताकि कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा जा सके। आइए आज मैं मिलवाता हूं आपको पटना के जाने माने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर सुनील परमार से। वो क्या कहते हैं कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए, देखिए इस रिपोर्ट में। कोविड-19 बीमारी अब हम लोग के समाज में बहुत भयानक रूप से प्रकट हो गया है, और किसी कोई अगर यह सोच रहा है कि मैं बच जाऊंगा, तो वो तभी बच सकता है जब वो बिल्कुल ही सारे प्रिकॉशंस ले लें। लेकिन समाज में चूंकि सब कुछ खुला हुआ है और आप सब जगह जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, हम डॉक्टर्स तो अस्पताल भी प्रतिदिन जा रहे हैं, जो सामान्य मरीज हैं हल्के फुल्के लक्षणों के लिए भी जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में अब आपका बचना बड़ा मुश्किल लग रहा है। प्रतिदिन आप अखबार में देख रहे हैं कि कोरोना के लोग संक्रमित हो जाए, कार्यालय में लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, कैसे बचे इससे? बचना आपको है, कोरोना तो घूम रहा है, बचना आपको है। आप जितने भी तरह के अभी तक बताए गए हैं लक्षण, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी लेना, कम से कम सामान को, कम से कम जगह को टच करना, कम से कम जगह को छूना, हाथ को थाम के रखना, कम से कम लोगों के संपर्क में आना, इन सब बातों को आप ख्याल रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तभी आप बच सकते हैं। क्योंकि कोरोना समाज में घूम रहा है, ऐसे व्यक्ति घूम रहे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं है, और आपको ना होगा, आपको अगर आप संक्रमित हो गए तो आपको लक्षण ना होगा ऐसी कोई बात ना है, हो सकता है आप में सारे लक्षण प्रकट हो जाए और उससे ज़्यादा खराब रूप में प्रकट हो जाए और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए। इसलिए बचना अब आपके हाथ में है, और आप अपने आप को संभालिए और कीप डिस्टेंस, स्टॉप टचिंग एनीथिंग, मैक्सिमम थिंग्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।